हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं कुमाऊनी डिश बना रही हूँ, हमारे पहाड़ी खाना भटकी चुड़कानी। और बात अब किस तरह से बनाती हूँ, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये है भट, काले भट है ये, छोटे वाले जो भट होते हैं वो एक, ये तो करीब दो तरह के होते हैं। एक बड़े भी आते हैं, उसके डुबके बनाए जाते हैं। ये बारीक वाले जो हैं, इसकी चुड़कानी इसी की बनती है। ये भट है, और ये मिर्ची है, ये लहसुन है, जीरा है, और ये बाकी हल्दी है, नमक है, और धनिया तो मैं थोड़ा ही चाई डालूंगी, और ये प्याज काट के रखा है। ये बेसन है हमारा, मिसवार पड़ता है इसमें, ये हींग है। अब मैं इस मसाले को सिलबट्टे में पीस के पेस्ट बनाऊंगी। अभी मसाला पीसूंगी मैं सिलबट्टे में, हल्का सा पानी डाल के पीसना पड़ता है। तो सिलबट्टे के मसाले से ही टेस्ट आता है इसमें, भटकी चुड़कानी है। हमारे तो पहाड़ी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, हमारे तो पहाड़ की फेमस सब्जी है ये भटकी चुड़कानी और भात, बहुत टेस्टी। और इसमें लहसुन और मिर्ची का ही होता है, लाल मिर्ची से ज़्यादा ये हरी मिर्ची ज़्यादा टेस्टी होती है। ये हरी की लाल वाली मिर्ची है, ये वो वाली सूखी वाली लाल नहीं है, ये हरी वाली जो आती है लाल, वो है पकी हुई मिर्ची है ये। मसाला पीस के हमारा रेडी हो गया। ये किस तरह से पीसा है, मैंने इतना मोटा पीसा हुआ है, देखिए ये मिर्ची के छिलके होते ना, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं मुँह में। ये सरसों का ऑयल है ये, अब इसमें हम बट डाल देंगे। थोड़े हल्की आँच में ही भूनने पड़ते हैं ये, नहीं तो एकदम से जल जाते हैं ये। इस तरह से बनता है दोस्तों, बहुत मजा आता है खाने में, बहुत टेस्टी होती है इसकी इस सब्जी के आगे तो मीट भी तेल है दोस्तों, बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्जी। इस तरीके से आप भी बनाइए, कोई किसी भी स्टेट से आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह से एक बार बनाइए, बड़ा मज़ा आएगा खाने में। ये हम हींग डालेंगे इसमें, ये हींग है डालेंगे, थोड़ी और डालेंगे, हींग तो टेस्ट को बढ़ाता है। ये डाल देंगे इसमें बेसन, ऐसे घोल के डालने में ना मज़ा नहीं आता है, ऐसे भून के डालने में ज़्यादा मज़ा आता है। बेसन को ये डाल दिया हमने मसाला, रोटी काटा अभी, और ये नमक है, नमक तो टेस्ट के अनुसार ही डालिए। ये हल्दी है, और ये धनिया पाउडर है, भूलने में इतनी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, मज़ा आ जाता है इसकी खुशबू से, पूरा किचन घर महक जाता है। लहसुन का फ्लेवर भट के साथ मिलता है ना, भुने हुए भट के साथ, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए। इसमें पानी डाल देंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा सब्जी पके लिए, पकते पकते में हरी हो जाएगी ये सब्जी इसकी। भट देखने में काले होते हैं लेकिन सब्जी हरी बनती है। बिल्कुल
बिल्कुल मलाई जैसी आ गई ना, ये पकते पकते पूरा हरा बन गया है, सब्जी पूरी हरी हो गई है। ये मैं दिखाती हूँ आपको इस तरीके से, देखिए ये पूरी मलाई लग गई है दोस्तों। बिल्कुल 20 मिनट लगते हैं इसमें। अगर पहले आँच इसको शुरू में आँच तेज कीजिए, उसके बाद जैसे पकने लग जाता तो आँच कम कर दीजिए आप। सिम आँच में इसको पकाइए, मीडियम आँच में। तो ये देखिए हल्की आँच में पकता है। ये दाने की दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए पूरा गल गया। वैसे तो भूनने में ही पक जाता है, ये बेसन वगैरह सारा भूनने में ही पक गया इसका। और ये देखिए पूरी मलाई लग गई ना पूरे चारों तरफ, ये बिल्कुल पक के मेरा तैयार हो गया है। 20 मिनट ज़्यादा 25 मिनट में ये पूरी रेडी हो जाती है सब्जी बन के। खाना हमारा रेडी हो गया। अब धनिया डाल देंगे इसमें, धनिया ऑप्शनल है दोस्तों, वैसे इसमें पड़ता नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं डाल रही हूँ। हम तो वैसे भी तीखा खाते हैं, चटपटा खाते हैं। ये मूली है, ये बरसात की मूली तो ऐसी आती है, सर्दी की मूली तो लंबी वाली आती है। ये मूली सानेंगे हम इसके साथ, फेंच लूँगी मैं इसमें। ये मसाला रखा हुआ है मैंने, मिर्ची है, धनिया है, नमक है, जीरा है, इसको पीसेंगे। इसी में मूली सानूंगी फिर मैं, फेंच लूँगी खाने के लिए। तो पहाड़ी खाना है तो पहाड़ी तरीके से खाते हैं। ये पीस किया इस तरीके से, इस तरीके से फेंच के खाने में तो बड़ा मज़ा आता है। मैं तो खाना वैसे भी बहुत ध्यान से बनाती, बहुत शौक है मुझे खाना बनाने का। इस तरह से हम ये इसको ऐसी तरह से इसको ऐसे खाएंगे हम। उठा लेंगे इसको बर्तन में किसी में। हमारा पूरी तरह पहाड़ी खाना है, कुमाऊनी खाना। ये चुड़वानी बन गई, ये चावल है, ये मिर्ची है, ये मूली है, सिलबट्टे में देसी है, ये अचार है। तो यही चीज़ें होती है इसके साथ, और चटनी तो इसके साथ मज़ा नहीं आता है खाने का। इसी तरीके से आप भी बनाइए दोस्तों। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत मज़ा आया, एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के खाइएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा।